अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आए 5 रियाल और यहाँ पर बाहर ना आइसक्रीम वैन थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये लूँगी और मैंने मैंगो और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ली। और ना इसकी कोन जो है ब्लैक कलर की है, बट इसका टेस्ट एज़ यूजुअल कोन वाला ही है। और हम लोग साको जा रहे हैं और यहाँ पर ना रास्ते में फनातीर के डिस्टेंस पर ना ये ऑयल रिफाइनरी आती है और ये बहुत प्यारी लगती है। इसके कलर्स मतलब उन्होंने लाइटिंग ऐसे की हुई है और ये जो आग दिख रही है वो जो भी ऑयल का काम होता है उससे है। और बस हम लोग साको आ गए हैं और यहाँ पर ना इतना सन्नाटा था, बाहर कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं दिख रहा था, मतलब बहुत कम लोग हैं यहाँ पर ना, कोई बस जिसको काम होगा वही नज़र आ रहे होते हैं। वरना दमाम में जो हमारे घर के नियर साको था वहीं पर इतना रश होता था और मतलब इधर बहुत सन्नाटा ही नज़र आता है ना। मुझे तो ऐसे होता है कि यहाँ पर कोई बाहर निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मुझे मिले सब कहते हैं कि हम तो खुद खूबर और दमाम जाते हैं, मतलब किसी भी काम के लिए ना। तो हस्बैंड को यहाँ पर कुछ अपने फील्ड वर्क के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं या कोई मशीनरी यूज़ करते हैं वो देखने के लिए वो आए थे। तो मैं उसका क्या करती, मतलब वो तो मेरी समझ से बाहर था। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें लैंप्स वगैरह देखना स्टार्ट कर दिए, जो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन आई हुई है रमज़ान की साकों पे। और बस हस्बैंड जब तक टूल्स वगैरह देख रहे थे तो मैं यहाँ फ़र्नीचर देखने के लिए आ गई। फ़र्नीचर बहुत प्यारा है बट बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेंसिव फ़र्नीचर ले नहीं सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आप अपना घर तब एक्सपेंसिव फ़र्नीचर लेकर सेट करें जब आपको परमानेंट रहना हो। यहाँ पर सऊदी अरब में हम परमानेंट नहीं हैं, आप कुछ भी कर लो, 25 ईयर्स भी गुजार दोगे ना, आप परमानेंट नहीं हो सकते यहाँ पर। और यहाँ पर वैसे ही न्यू रूल्स आ गए हैं कि अकामा पे आप लोग 6 ईयर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रह सकते। 6 ईयर बाद आप लोग को वापस अपने कंट्री जाना है। तो हमारा कोई पता नहीं कि 6 ईयर से पहले ही कोई नया रूल्स आ जाए और हमें जाना पड़ जाए, तो फजूल है इतना एक्सपेंसिव फर्नीचर लेकर आपको घर सेट करना। देखते हैं अल्लाह मालिक के क्या होता है। और मैं यहाँ पर आगे आई ना तो मुझे अपने यहाँ की शादियों वाली चेयर्स दिखी थी और मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि ये लोग भी ऐसी ही चेयर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि माइंड में नहीं होता है ना कि यहाँ पर कैसी यूज़ होती होंगी। तो मुझे देखकर इतनी हैरत हुई, तो मैंने जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर ली। बस आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा कि ये लोग भी ऐसी ही चेयर्स यूज़ करते हैं जैसे हम लोग यूज़ करते हैं शादियों में। और 2-3 मिनट्स के डिस्टेंस पे ना जरीर बुक स्टोर है जहाँ पर USB मिलती है। असल में मुझे USB की नीड है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि मेरा मोबाइल ना बहुत ज़्यादा हैंग होना स्टार्ट हो गया हाइपर लैप्स और वीडियो बनाते हुए, और मेरा मोबाइल आउट ऑफ स्टोरेज जा रहा है, जबकि 128 GB है। बट काफ़ी मैंने जो है व्लॉग्स बनाकर रिकॉर्ड मतलब जो अपलोड कर देती हूँ मैं डिलीट नहीं करती, तो हस्बैंड के हार्ड डिस्क में डाल दिए काफ़ी, USB में भी, बट वो सब भी फुल हो गई हैं। और कभी ऐसे होता है कि मोबाइल में ना आपको एट अ टाइम कुछ वापस चाहिए होता है कि मोबाइल में नीड है, तो हार्ड डिस्क से ना आप लोग दोबारा मतलब एट अ टाइम कभी नहीं ले पाते हो, क्योंकि हस्बैंड कभी नहीं है घर पर, वो लेकर गए हुए। तो USB ऐसे है कि आप फ़ौरन लगाया और जो नीड है आपने ले लिया। तो बस हम लोग वही लेने आए थे, क्योंकि साको पे वो अवेलेबल नहीं थी और मुझे चाहिए थी, तो हम लोग यहाँ पर आ गए लेने के लिए। ट्रैक्टर तो हैगा नहीं, मूव हो सकता है थे। बस हम लोगों ने USB ले लिए और अब हम घर चलते हैं, लेकिन घर जाते जाते हमें 1:30 हो गए और मैंने सोचा फिर बाहर से ही सहरी ले लेते हैं अगर हम इस टाइम पे बाहर हैं। तो मुझे खाना था हलीम, मैंने सुना था द ग्रिल हट पे बहुत अच्छा हलीम मिलता है, बट इस दिन अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल था वो ऑर्डर कर दिया। और बस मैंने वैसे सुना है कि रुमान का हलीम बहुत अच्छा है, जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था जहाँ से हम फेनियाँ लेने गए थे उसके बराबर में, वहाँ की हैदराबादी बिरयानी भी बहुत अच्छी है और हलीम भी सुना है, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई। तो बस जो ऑर्डर था वो आ गया है और लेकर घर चलते हैं। अच्छा, मेरे पास ना फ्लावर एग्जीबिशन और एक दो ना व्लॉग के क्लिप्स हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा मैं वो ऐड मतलब दोनों मिक्सअप करके एक व्लॉग बना के अपलोड कर दूं। हो सकता है वो छोटा व्लॉग बने और या सिर्फ फ्लावर एग्जीबिशन का ही हो, एग्जीबिशन, पता नहीं, मुझे लगा ऐसे वर्ड गलत बोल रही हूँ। तो वो मैं मिलाकर अपलोड कर दूँ। आप लोग मुझे सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन पे कि मैं ऐसा कर दूँ कि फ्लावर एग्जीबिशन और जो मैंने लूलू का एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ है वो दोनों मिक्सअप करके अपलोड कर दूँगी। तो मैं वो हो सकता है इस व्लॉग के एक दिन बाद ही कर दूँ, ट्राई करूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा। और मैं उन सबको थैंक यू करना चाहती हूँ जो मेरे कमेंट्स को सीरियसली लेते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताते हैं जो मैं कहती हूँ। मैंने पहले फ़र्स्ट अफ्तारी का कहा था तो बताया था कि आप लोगों ने क्या खाया, सहरी का बोला वो बताया। और मुझे कुछ लोग बहुत दुआएं देते हैं, मेरे पेरेंट्स को देते हैं। आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपना फेस शो नहीं करती, मैं आप लोगों को नहीं जानती, फिर भी कोई अपना समझ के और इतनी दुआएँ दे रहा है। तो थैंक यू सो मच जो मुझे कमेंट्स करते हैं और दुआएँ देते हैं। तो इस तरह कमेंट करते रहा करें। और इस वाले व्लॉग में आप लोगों ने मुझे बताना है कि अब तक किस किस के साथ ऐसा हो चुका है कि देर से आँख खुली हो तो जल्दी जल्दी आप लोगों ने सहरी बना के सहरी की है, या फिर आप लोगों की आँख ही नहीं खुली कि रोज़ा रह गया हो। तो इस तरह का कोई इंसिडेंट अब तक हो चुका है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नेचुरल है, हम इंसान हैं, कभी आँख नहीं भी खुल पाती है। आप पूरी कोशिश करते हो, अलार्म लगाते हो, सब कुछ करते हो, बट आँख लग जाती है। या आप लोगों में से वो पर्सन है जो पूरी रात सहरी तक जागते हैं, बल्कि ये भी बताइएगा कि कौन कौन है जो सहरी तक जागता है और सहरी करके सोता है। मैंने एक दो दिन ऐसे हुआ है कि मैं सहरी तक जागी हूँ और सहरी करके ही सोई हूँ, बट एक दो दिन ऐसे भी हुए, मतलब काफ़ी दिन बल्कि ऐसे ही चला है कि मैं सो जाती हूँ, 1 बजे तक सो जाती हूँ और 3 बजे उठती हूँ, तो 2 घंटे की मेरी नींद हो जाती है। और यहाँ पर हम लोग लेकर आए थे, मैं वो भी बता देती हूँ कि हम लोग पराठे लेकर आए थे, आलू कीमे का सालन लेकर आए थे और उसके साथ हमें छोले मिले थे। तो मैंने लाकर इनको हॉटपॉट में रख दिया था और ये इतने अच्छे गर्म हुए हुए थे कि अब तक गर्म थे। तो मैंने दोबारा इनको हीट अप नहीं किया था सिवाय छोले के सालन को, क्योंकि फिर बहुत गर्म होता है, देर हो जाती है खाने में। और बस ये सुबह का टाइम है और सुबह के सीन कुछ ऐसे हैं। पूरा कमरा मैस हुआ है और बाहर का एरिया भी पूरा मैस है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग सफाई कब करते, क्योंकि मेरा तो मैं बस सुबह उठती हूँ ना, फिर उठकर मैं सारे काम करना फ़ौरन स्टार्ट कर देती हूँ। मैं 11:30-12 बजे तक उठ जाती हूँ। उठकर अब मैं फ़ौरन मोबाइल नहीं उठा रही होती, मैं उठकर फ़ौरन पहले काम करती हूँ, फिर जो है ना सारे काम करके नमाज़ पढ़ के फिर मोबाइल लेकर बैठती हूँ। तो इस तरह मेरे काम को भी देर नहीं होती और मैं काम कर लेती हूँ। वरना कुछ लोग ये होता है कि फजर में ही करके लेट जाते हैं। अफ्तारी बनाते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था। कल की मेरे पास लेफ़्ट ओवर छोले की चाट है और ये वाली फ्रूट चाट है, ये हस्बैंड की है, यहाँ पर खज्जी हैं। ये छोटी बास्केट मेरे पास खाली हो गई थी, इसके अंदर मैंने खजूर वगैरह डेट्स डाल लिए, तो बहुत इजी हो गया इसको ना, मतलब लाकर रखने के लिए निकालने का मसला नहीं रहता। और ये वही सॉस है जो मैं लेकर आई हुई थी, केचप है, चाट मसाले का ना ये काफ़ी सारा अंदर गिर गया क्योंकि ये जो पैकेट है ना ये चिपका हुआ है इससे ना, तो मैंने हटाया नहीं था बॉक्स की वजह से, तो काफ़ी सारा ना इसके अंदर गिर गया है। बाकी रोल हैं और जो हम लोग बनाते हैं बारीक बारीक पोटैटो का कट करके, मतलब आलू को कट करके और उस पर हल्का सा बेसन लगा के, बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है, हस्बैंड बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इस वजह से कुछ ऐसे करके बना लिए है। लेकिन क्रिस्पी हैं ये भी और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसको हमारे यहाँ चूरा कहते हैं। और यहाँ पर है क्या कहते हैं, रूह अफ़ज़ा। फ्रिज में मैं ठंडा पानी रखना भूल गई थी क्योंकि अभी हम बाहर का ही पानी पी रहे हैं, जो बाहर रखा होता है फ्रिज में नहीं रखते, तो इस वजह से ये मैंने फ्रिज में रखा है और अभी इसके अंदर मैं लेकर आई हूँ। और मेरे पास ना चिया सीड्स वगैरह रखे हुए थे तो वो भी आज मैंने ऐड कर दिए। और बस मेरे पास सामने जो कप रखे होते हैं ना मैं उसी में ही निकाल लेती हूँ, स्पेशली ग्लास नहीं निकालती, बस आदत नहीं है ना बचपन से। मामा ने रखे रहे, मेहमान आएंगे गिलास निकालेंगे, मुझे वो याद आ गया, आदत नहीं है ना हमें गिलास में पीने की। वो कहेंगी जब वीडियो देखेंगी कि गिलास नहीं निकलते अपने घर में, गिलास निकलते हैं सीरियसली हमारे घर में भी ना, क्योंकि चलो मेहमानों वाले अलग होते हैं बट घर के हैंगे। तो बस इस तरह ये है कि आज मैं जल्दी बैठ गई हूँ, अब दुआएँ मांग लेते हैं और आप सब भी मुझे प्लीज़ प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी। जो परसों मैं लेकर आई थी सामान यहाँ पर 5 रियाल से और जदीद से, तो एक ये लेकर आई हूँ मैं। ये काफ़ी बड़ा मिला है, मुझे छोटा चाहिए था इसमें, बट वहाँ कोई साइज़ ही नहीं था, तो बस मजबूरन मुझे ये लेना पड़ा क्योंकि असल में जो है चाहिए था, वरना ना किसी और उससे निकालो ना तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा था। और एक क्या लेकर आई, हाँ एक ये मैं लेकर आई हूँ चम्मच, क्योंकि मेरा जो सालन निकालने वाला चम्मच है उसका जो वो ये वाला हिस्सा है वो काफ़ी ख़राब हो गया है, तो आई गॉट दिस न्यू वन। और ये अच्छा रहेगा, मतलब सही है। 5 रियाल में भी कभी कभी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और मुझे अच्छी ही मिली है, मतलब ऐसा नहीं है, और क्वालिटी वाइज भी ये बुरा नहीं है। तो ये वुडन पार्ट है और ये नॉन स्टिक का है, तो सही है। और मुझे लग रहा है ये मेरे ना उससे मैच हो जाएगा, जो वो है क्या कहते हैं, वर्ड ही नहीं आता है मुझे ना, भूल जाता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पॉट है, देखती है ना, और इतना बड़ा शॉपर दे देते हैं, इसमें चीज़ें ढूंढना ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। स्ट्रगल टू पुट देम आउट। आ जाओ भाई, अब एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और सेकंड से मैं निकाल रही हूँ ना। अच्छा, एक मैं ये लेकर आई हूँ चाय की चन्नी, क्योंकि हमारी टूट गई है पीछे से ना, उसका टूटिंग क्या है वो ना, पीछे से उसका पिंक कलर का ना पकड़ने वाला था, वो अच्छा प्यारा था, तो वो निकल गया और मैंने ट्राई किया उसको जोड़ने को बट नहीं जुड़ा। और फिर फाइनली आई गॉट दिस वन। और इसके अंदर 3 है, हर साइज़ की है। ये वो जो छोटे कप होते हैं कहवे वाले, क्योंकि यहाँ पर तो कहवा होता है ना, लोग पीते हैं, तो वो है सेकेंड। ये तो सही है। और मैंने ना ये वाला साइड स्टील का ही ले लिया क्योंकि प्लास्टिक के भी थे, बट मैंने यही कहा फिर उसमें दोबारा कोई प्रॉब्लम ना निकल आए। सो या और ये मेरी USB इतने बड़े पाउच में दी है, यही तो यहाँ पर बहुत बड़ा पाउच दे देते हैं। ओके तो ये मैं लेकर आई हूँ। अच्छा ये वैसे वो C टाइप वाली नहीं है, मेरे पास कनेक्टर है तो इस वजह से मैं उसके साथ ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि कनेक्टर वाली काफ़ी और एक्सपेंसिव मिल रही थी। यही मुझे तकरीबन मिली है 65 रियाल की, बिकॉज़ इसका ये जो अपर पार्ट है ये प्लास्टिक है, स्टील नहीं है, मेटल नहीं है, और सेकेंड ये कि C टाइप नहीं है, डेट्स वाई। बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस नहीं है बाकी किसी में, क्योंकि हमने पूछा था, उन्होंने कहा कोई नहीं है, बस यही वाली चीज़ है। तो प्लास्टिक क्या मतलब मैंने कौन सी तोड़नी है, और मेरे पास कनेक्टर है, तो या तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैं सारा काम करना स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैं समेट रही थी, मैंने कहा पहले ये दिखा देती हूँ। और ये देखें सारी ये है कि क्लीनिंग। आज हमारे साथ हुआ भी ये कि मेरी आँख ही बहुत देर से खुली थी। ये हुआ कि मैं अलार्म मैंने जो लगाया वो AM की जगह PM का ही लग गया, तो मेरी आँख खुली 3:40 पे और 4:06 पे बंद हो रही थी। तो बहुत जल्दी जल्दी बस मैंने पराठे बनाए, उसके अंदर ऑयल अंदर तेल नहीं लगाया था, तो बस जल्दी जल्दी बनाया। और हस्बैंड को कहा जल्दी से आप जो है ना ये वो निकालें दही, और उसके अंदर चीनी मैंने डाल दी थी कि ये मिक्स करें और दस्तरखान लगाएं। और चाय भी मैंने बस जल्दी से सॉस पैन में ही पकाने के बाद रहने दी ताकि वो ठंडी हो जाए ना, तो बस ये हुआ। इस वजह से जो है हमारी बस फिर सहरी हो गई थी, लेकिन मुझे पानी पीने को ही नहीं मिला था कि पानी पीने का टाइम नहीं था, मैं ब्रश करने लग गई थी कि ब्रश ना रह जाए। तो या ये भी होता है रमज़ानों में, ये किस किस के साथ हुआ है और अभी तक किस किस के साथ ये हो चुका है, मतलब हो सकता है क्योंकि लोगों के साथ फर्स्ट रोज़े में ही हो जाता है, आपकी रूटीन नहीं होती है ना। और हम लोग 2 दिन से सोए नहीं थे, इस वजह से भी काफ़ी मुझे ये हो गया था। अच्छा मैंने यहीं खड़े खड़े काफ़ी बातें कर ली, क्योंकि कभी ऐसा होता है आपको बहुत बातें याद आ जाती हैं। तो बहरहाल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अब तक ये किसके साथ हुआ है, कि रोज़ा बगैर सहरी का रखा है या देर से उठे और इमरजेंसी में सेकेंड्स में आप लोगों ने नाश्ता और अब सहरी बनाई हो। और बस यहाँ पर मैंने सारी दाल मिक्स करके और जौ वगैरह जो भी होती है उन सबको मिक्स करके हलीम मसाले का पाउडर डाल के हलीम की तरह बना लिया था विदाउट गोश्त। और मैंने ये न्यू स्पून यूज़ किया था जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था यूज़ करने के लिए, और बहुत टेस्टी बना था मतलब ये खाना जो है ना मेरा। और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगाओ तो लाइक किएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इस वाली डिश की अगर रेसिपी जाननी है तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। थैंक यू।